आज बर्थडे है उनका, तो गिफ्ट नहीं देंगे बर्थडे के? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं ठीक है जी, और आज जन्मदिन भी है मोदी जी का, तो गिफ्ट नहीं देंगे उनको आप? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी कहना अच्छा नहीं है। अब उनके पास जब उनके साथ फर्स्ट सरकार में, प्रथम सरकार में आए थे, तो उनके साथ एक शिक्षा मंत्री थी स्मिता रानी। उनकी क्वालिफिकेशन पर, उनकी डिग्री पर एक देश में चर्चा हुआ था, उस पर वो अपना डिग्री को देश के सामने नहीं रख पाए। उसी उपरांत नरेंद्र मोदी जी का भी आया कि आप भी अपना क्वालिफिकेशन देश के सामने रखिए, आप देश का माननीय प्रधानमंत्री, तो आपका ये क्वालिफिकेशन जो भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या कोई टेक्निकल डिग्री हो, लेकिन जो भी डिग्री है देश के सामने रखिए। आज तक डिग्री सामने नहीं रखा। अब उनकी जन्मदिन तो एक बीजेपी कार्यकर्ता का जन्मदिन बनाया हुआ है, उनकी पिताजी या माता जी का वो जन्मदिन नहीं। नहीं, मैं आपसे पूछा था कि आज बर्थडे है उनका, तो गिफ्ट नहीं देंगे बर्थडे के? बर्थडे तो गिफ्ट हम इसलिए तब देंगे कि जब हमारे देश में महंगाई को कम कर दें, सरकारी संपत्तियां बेचना बंद कर दें, बेरोजगारों को रोजगार दें। तो वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देश हित की बात, देश हित में लगा रहे पैसा महंगाई बढ़ा करके। देश हित में आपने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, भेल बेच दिया, इतनी तक कि जो हमारे देश का रक्षा की सामग्री बनाया जाता था उसको भी आप बेच रहे हैं, तो उस संपत्ति कहाँ गया, वो कहाँ रखे? बीजेपी का ऑफिस में पहुँचाए, अपने घर पर पहुँचाए, कहाँ पहुँचाए? और जो संपत्ति बेच दिए हैं, वहाँ जो काम करते थे नौजवान या हमारे साथी लोग, उन लोग बेरोजगार हो गए, उन लोग कहाँ गए? उनके लिए चिंता नहीं किया? तो वो तो कहते रहे पकौड़ा बेचा रोजगार तो है। साथियों, आपका भी पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारी भी हैं, उनका भी एक सपना है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, टीचर बने या कुशल शासक बने, लेकिन उनकी सपना पूरा करने के लिए अपने आप की माता पिताजी, मेरे माता पिताजी, खाने में कमी, कपड़ा में कमी, मकान रहने में कमी करके एक इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनाने में 10 लाख रुपया लगता है, एक डॉक्टर बनाने में 50 लाख रुपया लगता है, एक पॉलिटेक्निक कराने में 5 लाख, आईटीआई कराने में 2 लाख, एक टीचर ट्रेनिंग कराने में 2 से 2.5 लाख, एक एलएलबी कोर्स कराने में 3 से 4 लाख रुपया लगता है। और वो जब तैयार हुआ रोजगार जाने के लिए, माँ पिता के सपना पूरा करके रोजगार के रूप में, कि उससे रोजगार लेके बूढ़े माँ बाप को सेवा करेंगे, उस परिस्थिति में सरकार कहती है तुम पकौड़ा बेचो कि मूंगफली बेचो, तो प्रधानमंत्री का शोभनीय शब्द है? ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आप बता रहे हैं कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो मतलब पकौड़े बिछवाती है या फिर क्या नाम है, मतलब वो चीजें नहीं देती, लेकिन बीजेपी के नेता है जो काफी, मदन दिलावर एक नेता है, वो ये कहते दिख जाते हैं कि सब लोगों का जो मतलब सब लोगों का सपना डॉक्टर बनना ही है, तो अगर सारे लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये बीजेपी के नेता बोल रहे थे। आपने बताया कि सपने हैं सबके डॉक्टर वगैरह के, हर माँ बाप का सपना होता है। देखिए बीजेपी के लोग बोलते हैं कि सबको डॉक्टर बना दें, आज हमारे देश में कोविड-19 आया, उस परिस्थिति आपके सामने रहा, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की कमी, नर्स की कमी, लैब टेक्नीशियन की कमी, मेडिसिन की कमी, उस कारण बस यूपी का परिस्थिति देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए या अदर प्रांत का देख लीजिए, गंगा जी में लाश को दबाया गया, दिल्ली में शमशान घाट नया नया निर्माण किया गया, शमशान घाट कमी हो गया। आज हमारे देश में एक आंकड़ा होता है कि 2000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, 2000 जनसंख्या के आधार, आज हमारे देश में 16000 संख्या पर एक डॉक्टर भी नहीं है, तो कहाँ डॉक्टर की कमी नहीं है, डॉक्टर कहाँ हमारे पास है? अगर सबको नहीं
अगर आप कम से कम 2000 पर जो लिमिट है कि 2000 मानव पर एक डॉक्टर एक मेडिकल अफसर होना चाहिए, वो भी आप पूरा कर दीजिए तब भी समझे कुछ किए। अभी तो डॉक्टर की बहुत कमी है, सबको डॉक्टर कहाँ बना रहे हैं, जो आवश्यकता है उसको तो नहीं बना रहे, वो तो पूरे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कोविड के कार्यकाल के दौरान जी देश में ऑक्सीजन की कमी थी जी, खपत ज्यादा थी इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन योगी तो ऑक्सीमीटर लेके आते हैं गायों के लिए, तो इंसानों के लिए नहीं गायों के लिए रहता। देखिए ये भी कहते हैं गौमूत्र से कोरोना भग जाएगा। देखिए साथी, ये सब एक ड्रामा है, नौटंगी है, यह जनता के बीच में विडंबना पैदा करना, गाय को सेवा करना, गाय को रोटी देना। साथ ही मैं आपको कहता हूँ, आजकल बीजेपी के लोग, जनसंघ के लोग या नरेंद्र मोदी के, सफेद गाड़ी में उतरेंगे, सफेद कपड़ा में रहेंगे, सफेद जूता रहेंगे, और उतर के गाड़ी से दो गो रोटी गाय को देंगे, वो गाय सेवा नहीं हुआ। गाय सेवा वो हुआ जो उड़ीसा की बहन, बिहार की बहन, उत्तर प्रदेश की बहन, तमिलनाडु की बहन, जो बरसात के समय में चार चार फीट पानी में हेल के घास को काट के लाती है और वो गांव को खिलाती है, वो गौ सेवा है, वो गांव का माता का सेवा है। सफेद गाड़ी से उतर के दो गो रोटी गांव के मुंह में डालना, तो कैसे गौ सेवा नहीं है। आप लोग कैसे रोकेंगे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कैसे होगा? मतलब भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम लोग को संघर्ष करेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं कि हमारे देश के अंदर लोग जो हैं वो खुद मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, कि लोगों को जैसे पुलिस वालों ने अगर पैसे मांगे तो उनको दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी भी इसमें कमी है। आज इसके डिमांड को लेकर हम आया हूँ। मैं 14 में बड़े डायलॉग के साथ आए थे, उनके एक सहयोगी थे, उनको हम बाबा तो नहीं कहेंगे लेकिन लोग बाबा के नाम से जानते हैं, लाला हम लोग रामदेव कहते हैं, लाला रामदेव कहे थे कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बड़े नोट को छोटा में लाओ, बड़े नोट को बंद करो, छोटा नोट के लाओ, भ्रष्टाचार नहीं होगा, काला धन लाओगे, लोगों को भुखमरी मिटेगा। लेकिन भ्रष्टाचार वहां से ज्यादा बढ़ गया, वो 1000 का नोट बंद किए, 2000 का नोट ला दिए, तो भ्रष्टाचार को तो अब बढ़ावा हुआ बड़ा नोट से। तो लाला रामदेव भी सो गए, एक लाला रामदेव भी सो गए, भ्रष्टाचार भी तो और बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गया। तो हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक सपनों का भारत, अगर उनके सपनों का भारत पूरा होता तो आज हमारा देश का 3 टुकड़ा नहीं होता। चलिए मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ जी, कि गवर्नमेंट जो है वो सीधा साधा ये कहती है, चाहे किसानों को लेकर अपने जिद पर रहती है, कहती है हमने जो लिख दिया वो लिख ही दिया, हम नीचे हम बदलेंगे नहीं, क्या संशोधन कर देंगे। पेट्रोल पर भी वही कह रहे हैं, बयान दे देते हैं कि ये देशहित के पेट्रोल में जितना महंगाई हो रही है, आम जनता मर रही है। लेकिन अब चुनाव भी आ रहे हैं 2022 में विधानसभा के, तो क्या फिल्म बनेगी इस बार विधानसभा की? हाँ, क्या फिल्म बनेगी मतलब इस बार चुनाव? देखिए नरेंद्र मोदी जी और उनके जो भी सिद्धांत लेते हैं, कहते जो मैं ले लिया वो हो गया, तो लोकतंत्र का तो मर्यादा खत्म हो गया ना। लोकतंत्र का जो शासन होना चाहिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमारा प्रजातांत्रिक नहीं है, या हिटलरी शासन नहीं चाहिए। ये तो जैसे हिटलर करता था जर्मनी में, कि जो मैं बोल दिया उसको मानना होगा, जो मेरा कानून दे दिया वो मैं वो होगा। लेकिन हिटलरी ने यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को ख्याल रखिए। आपने कह दिए 10% के लिए फायदे के लिए, 90% को तो आप दूर कर दिए, तो 90% का दुख को तो आपको सहना होगा, क्योंकि आप 100% का प्रधानमंत्री है, सभी का है, 10% का प्रधानमंत्री नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।